दोस्तों, उमेश प्रीमियर लीग का हमें ऑप्शन देखने को मिला। इस ऑप्शन में हमें 90 खिलाड़ी पांचों टीमों में फुल होते हुए नजर आए। और इस ऑप्शन के बाद हमें बीसीसीआई ने ऑफिशियली तौर पर उमेश प्रीमियर लीग का पूरा शेड्यूल लॉन्च कर दिए। तो आज के इस वीडियो में हम उमेश प्रीमियर लीग का पूरा शेड्यूल बताएंगे और पहला मैच कौन से टीम के बीच खेला जाएगा, उमेश प्रीमियर लीग में कितने मुकाबले खेले जाएंगे, सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे। तो आप भी उमेश प्रीमियर लीग का बड़े वाले फैन हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही उमेश प्रीमियर लीग में हमें कुल 5 टीमें रहने वाली है। पहली टीम रहने वाली मुंबई इंडियंस, दूसरी टीम रहने वाली दिल्ली कैपिटल, जो तीसरी टीम रहने वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो चौथी टीम रहने वाली गुजरात जायंट, जो पांचवी टीम रहने वाली है यूपी ओरिये। ये 5 टीमें रहने वाली जो ह्यूमन प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वही उमेश प्रीमियर लीग का शुरुआत हमें 4 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच उमेश प्रीमियर लीग देखने को मिलने वाला है। वही उमेश प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला में गुजरात जायंट वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच 4 मार्च को देखने को मिलेगा। वही इस बार के सभी मुकाबले में मुंबई में ही देखने को मिलेंगे। मुंबई के 2 स्टेडियम में उमेश प्रीमियर लीग का पूरा सीजन देखने को मिलेगा। वह पहला स्टेडियम रहने वाला है दीवा पाटिल स्टेडियम और दूसरा स्टेडियम रहने वाला ब्रोबन स्टेडियम। सभी मुकाबले हमें दोनों स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। वही उमेश प्रीमियर लीग का पूरा कार्यक्रम चलो जान लेते हैं। वही उमेश प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला में गुजरात जायंट वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच 4 मार्च को देखने को मिलेगा। वही सीजन दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच 5 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन तीसरा मुकाबला में यूपी ओरिये वर्सेस गुजरात जायंट के बीच 5 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन चौथा मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच 6 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन का जो पांचवा मुकाबला रहेगा दिल्ली कैपिटल वर्सेस यूपी ओरिये के बीच 7 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन छठवां मुकाबला में गुजरात जायंट वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच 8 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन का जो सातवां मुकाबला रहेगा दिल्ली कैपिटल वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच 9 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन का जो आठवां मुकाबला रहेगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस यूपी वॉरियर के बीच 10 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन का 9वां मुकाबला रहेगा गुजरात जायंट वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच 11 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन का 10वां मुकाबला रहेगा यूपी वॉरियर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच 12 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन जो 11वां मुकाबला रहेगा दिल्ली कैपिटल वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच 13 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन जो 12वां मुकाबला रहेगा मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट के बीच 14 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन जो 13वां मुकाबला रहेगा हमें यूपी वॉरियर वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच 15 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन जो 14वां मुकाबला रहेगा हमें दिल्ली कैपिटल वर्सेस गुजरात जायंट के बीच 16 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन जो 15वां मुकाबला रहेगा मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर के बीच 18 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन जो 16वां मुकाबला रहेगा हमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात जायंट के बीच 18 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन 17वां मुकाबला रहेगा हमें गुजरात जायंट वर्सेस यूपी वॉरियर के बीच 20 मार्च को खेला जाएगा। वही सीजन 18वां मुकाबला रहेगा हमें मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच 20 मार्च को खेला जाएगा। वही 19वां मुकाबला हमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच 21 मार्च को खेला जाएगा। वही 20वां मुकाबला हमें यूपी वॉरियर वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच 21 मार्च को खेला जाएगा। वही 24 मार्च को हमें एलिमिनेटर मुकाबला देखने को मिलेगा और 26 मार्च को हमें फाइनल देखने को मिलेगा। ये थी उमेश प्रीमियर लीग का पूरी शेड्यूल। इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। वही आपको क्या लगता है पहला सीजन कौन सी टीम जीत सकती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। वही आप उमेश प्रीमियर लीग और आईपीएल की खबर इंटरनेट पर खबर सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। हम मिलते हैं धमाकेदार वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय।